हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम यम्मी और डिलीशियस रसमलाई बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 1 लीटर दूध लिया है। दूध हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें केसर और चीनी मिलाएंगे। मैं यहाँ पे 1/2 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। हमें दूध में उबाल लाना है। दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम दूध में ऑरेंज फूड कलर मिलाएंगे। हम जलेबी वगैरह बनाने के लिए जो कलर यूज़ करते हैं, मैंने वही कलर यूज़ किया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। दूसरे बर्तन में मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। हमारा रसमलाई का दूध बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये जो दूसरा 1/2 लीटर दूध मैंने रखा था, उसमें मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो लेमन जूस भी डाल सकते हो। दूध फटना शुरू हो गया है। मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है और हम इमीडिएटली पनीर को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने छन्नी के ऊपर एक कॉटन क्लॉथ रख दिया है। अब तुरंत हमें पनीर के ऊपर ठंडा पानी डालना है, जिससे विनेगर का स्मेल जो है वो निकल जाएगा और हमारा पनीर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। पनीर से हमें जो एक्सेस वाटर है उसे निकाल लेना है। अब हम पनीर को कॉटन क्लॉथ में 1/2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, ये पनीर का पानी है। दिस इज़ रिच इन वे प्रोटीन, तो आप इसे कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब 1/2 घंटे के बाद मैंने यहाँ पे पनीर को निकाल लिया है। अब हम इसे हाथ से ऐसे अच्छे से स्मैश कर लेंगे। हमें इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से स्मैश कर लेना है। हमें पनीर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेना है। अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है तो आप इसे मिक्सर में 1 मिनट के लिए चला सकते हो और उसके बाद हमें इसे ऐसे बॉल्स बना लेने हैं। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पनीर के बॉल्स हैं, उन्हें ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लिया है। एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे शुगर सिरप बनाएंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर लिया है और अब हम उसमें 3 कप पानी डालेंगे। हमने यहाँ पे जिस कप से शुगर लिया था उसी कप से पानी भी मेजर करके लेना है। अब हम पानी को ढककर इसमें उबाल आने देंगे। ये देखिए, हमारा शुगर सिरप जो है वो तैयार हो गया है। अब हम एक एक करके जो पनीर के बॉल्स हमने बनाए थे उन्हें शुगर सिरप में डालेंगे। मैंने यहाँ पे सारे पनीर के बॉल्स को शुगर सिरप में डाल दिया है। अब हम इसे लीड से कवर कर लेंगे। हमें इन्हें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। बीच बीच में हम निकाल के चेक करेंगे। आप देख सकते हो इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे नीचे बोल में आइस क्यूब्स लिए हैं। अब हम उस बोल में रसमलाई और शुगर सिरप दोनों को डालेंगे। आइस क्यूब्स में डालने से जो रसमलाई है उसका जो स्पॉन्जीनेस है या फ्लफीनेस है वो मेंटेन रहेगा। तो एक एक करके हम सारे रसमलाई को आइस क्यूब्स में डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा जो रसमलाई का दूध था, मैंने उसे एक बोल में निकाल लिया है। आप देख सकते हो दूध का कितना बढ़िया कलर आया है। अब जो हमारी रसमलाई है, हम उसे ठंडे पानी से निकाल कर हल्का सा प्रेस कर लेंगे और सारे पानी को निकालने के बाद रसमलाई के दूध में डालेंगे। एक एक करते हुए हम सारे रसमलाई को दूध में डालेंगे। सो बिफोर सर्विंग हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छे से सेट कर लेंगे। ऑलमोस्ट 6 घंटे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक डीप प्लेट लिया है। अब हम उसमें रसमलाई को सर्व करेंगे। अगर आपके पास ग्लास का कोई बड़ा ट्रे हो या कोई अलग बोल हो तो आप उसमें भी इसे सर्व कर सकते हो। रसमलाई डालने के बाद हम यहाँ पे अभी रसमलाई का दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता से गार्निशिंग कर लिया था। तो फ्रेंड्स, हमारी रसमलाई तैयार है।
जैसे हम स्वीट मार्ट से लाते हैं बिल्कुल वैसी ही रसमलाई बनी है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।